डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। यूपी का उन्नाव एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। यहाँ सत्ता के नशे में भाजपा नेता मदहोश है और पुलिस जिसकी लाठी उसकी भैंस के आगे नतमस्तक। यहाँ भाजपा विधायक आशुतोष शुक्ला के करीबी रिश्तेदार संदीप पांडे ने चालान के लिए फोटो खींचने पर ट्रैफिक सिपाही को उसकी औकात बता दी। ट्रैफिक सिपाही को यह कहते हुए जबरदस्ती कोतवाली ले जाया गया कि अभी तुमको कोतवाली में बंद कराता हूँ, तुम्हारी औकात कैसे हो गई फोटो खींचने की, अभी DM से भी बात करता हूँ। गंभीर बात यह रही कि कोतवाली में भी भाजपा नेताओं की महफिल सजी और बीच में खड़ा ट्रैफिक सिपाही फूट फूट कर अपनी बेगुनाही पर रोता रहा, आंसू बहाता रहा। विभागीय लोगों ने उसे आंसू पहुंचने के लिए गमछा तो दिया, लेकिन हुआ वही ढाके तीन पात। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया तो सपा ने लगे हाथ भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। सपा ने कहा कि यह है 30 रुपए का गमछा और 40 रुपए का भाजपाई झंडा लगाए सड़क चलते मवाली भाजपाइयों की गुंडागर्दी का जीता जागता सबूत। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। उन्नाव में यह घटना सदर कोतवाली से चंद कदम दूरी पर हुई। यहां ट्रैफिक सिपाही माधव यातायात नियमों का पालन न करने वालों के चालान काट रहा था, तभी भगवंत नगर से भाजपा विधायक आशुतोष शुक्ला का रिश्तेदार व करीबी संदीप पांडे हूटर बजाते हुए वहां से निकला। इसके बाद क्या हुआ वह वायरल वीडियो में देखिए। चालान करेंगे मेरी ड्यूटी। मैंने एक भी चालान नहीं किया। तुम्हारी हरकत से फोटो खींचा नहीं। यहाँ ट्रैफिक सिपाही को जबरदस्ती कोतवाली थाने ले जाकर खींचते हुए ले जाया गया। यहाँ भाजपाइयों की सभा में बीच में खड़ा सिपाही माधव अपनी बेगुनाही पर रोता रहा और जलील होता रहा। देखिए वह वीडियो। ये सही है, ये लोग तो कहते हैं, लेकिन हम लोग भी कोई जो है वो नहीं करते। आप लोग सही मान लिया है, आपकी बात सही मान लिया। आपको होटल लगा के चलने का अधिकार है क्या? नहीं, बस इसी पर अगर वो चालान कर रहा है चालान नहीं, इस पे चालान नहीं कर रहा, इस पे चालान कर रहा जो कोई बात जो पांडे जी ने होता बात को केवल इतनी थी जैसे इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।